सत्येद इधर पे लोग आना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस बता दे। 8240-199-151 पॉज करके पर इफ यू वांट टू फीचर योर कार इन आवर चैनल तो सर इज द प्राउड ओनर ऑफ दिस एस्प्रेसो। ऑटो प्रो में काम करा के आपका रिव्यू कैसा है और काम करा के कैसा लगा ओवरऑल आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें। चला कि ना 171 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चला। रिवर्स गियर आप रिवर्स गियर देख सकते हो, मेरा गाड़ी उधर पे देख सकते, कैनवास के साथ लगाया है बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो हेलो व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ शोम्स लाइफस्टाइल। तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं ऑटो प्रो में, ठीक है। आप बोर्ड ऊपर देख सकते हो, तो बहुत दिनों से हार्डकोर मॉडिफिकेशंस मैं सिर्फ दिखा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा जो सिर्फ कार एंथुसियास्ट के लिए होता है, लेकिन बेसिक मॉडिफिकेशंस भी दिखाना ज़रूरी है। तो वी हैव ओवर हियर मारुति सुजुकी एस्प्रेसो जो कि एकदम शोरूम से निकल के डायरेक्ट इधर पे आया है और ए टू जेड काम हुआ है गाड़ी में। तो पहले आप शोम्स लाइफस्टाइल के फैशन में देख लो सिनेमैटिक्स, फिर मैं आपको बताऊं कि गाड़ी में क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Just watch me grow, put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. तो सत्यजीत दा इज हियर। हाय। तो कैसे हो पहले बताओ। बहुत बढ़िया है। और ये एस्प्रेसो गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है बेसिक सा बताओ, फिर मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या काम मोटा मोटी हुआ। पहले तो जो एस्प्रेसो में जब पहले आया था तो उसमें जो नॉर्मल होते हैं वैसे ही थे, जो जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाँ। इस गाड़ी में जो सीट कवर लगाए हैं हम लोग, ये नापा लेदर का लगाए हुए हैं, ये कस्टमाइज सीट कवर्स हैं। कस्टमाइज सीट कवर से कोई भी ब्रांड का नहीं है लेकिन कस्टमाइज है इधर से, तो कस्टमाइज सीट कवर थोड़ा बजट कम में भी हो जाता है। बजट कम में भी हो जाता हाँ। है ताकि कस्टमर का जो कलर कॉम्बिनेशन कस्टमर चाहते हैं कि हाँ मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिज़ाइन भी आपको मिल जाता है उसके ऊपर। और बेसिक चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं कि स्टिच किया हुआ पूरा स्टेयरिंग कवर है, ठीक है। उनका इंटीरियर कलर जो ग्रे है उसके साथ मैचिंग करके हम लोग सेमी ओईएम स्टिच किया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। और स्टीयरिंग में आप लोगों को माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह सुजुकी के स्टाइल में आप लोगों को सब मिल जाता है। और जो सबसे बेसिक चीज़ है वो होता है फ्लोर मैट, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो फ्लोर है बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है कि उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग फ्लोर लैमिनेशन लगाए हैं। और आजकल तो मैंडेटरी चीज़ हो चुका है कि ये फ्लोर लैमिनेशन कराना बहुत मैंडेटरी हो चुका है। और अंदर के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक कस्टमाइज आर्मरेस्ट लगाए हैं एल्युमिनियम फिनिश के साथ, जी बिल्कुल, जो दिखने में भी खूबसूरत है और यूटिलाइज भी हो सके। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं क्रोम लाइनिंग डोर वाइजर लगाए हैं, लाइनिंग डोर वाइजर लगा ताकि जो नीचे जो हम लोग लोअर गार्निश लगाए क्रोम वाला उसके साथ मैचिंग हो सके। और नीचे भी ये क्या कौन सा है, GFX या CNLink? ये आपका जो CND वाला है वही है। अच्छा, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में जो एस्प्रेसो का सिल्वर कलर का लगा हुआ है स्कफ प्लेट, और जो ब्लैक और मैट्रिक्स वाला वो भी इधर मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। कस्टमर चॉइस प्रेफरेंस से सिल्वर कलर का लगा हुआ है इधर में। और पीछे अगर आप देखेंगे, अगर आप लुक्स के तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्की में ये स्पॉइलर क्रोम वाला जो स्पॉइलर है क्रोम बीडिंग जिसको बोलते हैं डिक्की में, ये आपको मिल जाता है, ये आपको एक्सक्लूसिवली हम लोगों के पास ही मिलेगा। उसके साथ
ये स्पॉइलर जो है ये लोग हम लोग अलग से लगा है, इसमें आपका लाइट भी है जो आपका ब्रेक लाइट के साथ जलता है। आप एक बार अंदर जाके ब्रेक मार के, बिल्कुल बहुत कूल लग रहा है। एलईडी के अंदर में आपको लाइट मिल जाता है, इधर में हैलोजन मिलता है लेकिन इधर में एलईडी मिलता है। और जो स्पॉइलर है वो भी एकदम ओईएम फिनिश के साथ लग रहा है, ठीक है, कोई भी आफ्टर मार्केट चीज़ लग नहीं रहा है इधर में कि आफ्टर मार्केट गाड़ी में कुछ लगा हुआ है, एकदम ओईएम कंपनी फिनिश में लगता है स्पॉइलर। कलर के साथ मैच भी मतलब कलर के साथ मैचिंग किया हुआ है। अगर नीचे की तरफ आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टर लगा है। ये जो अपना इंडिकेटर वाला है, मैट्रिक्स वाला इंडिकेटर जलता है, इधर में आपको देख सकते हो। और ये वाला बीडिंग क्या था या लगाया ये कंपनी में? ये कंपनी से लगा हुआ था। और कैमरा मैं देख सकते हो, कैमरा कौन से कंपनी का? ये कैमरा लगा है ब्लॉपोंग कैमरा, ब्लॉपोंग का कैमरा लगा है। इसका खास बात ये है कि उनका जो म्यूजिक सिस्टम था स्टॉक वाला जो था, उसमें उनका कैमरा का ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ पे कैनवस लगा के अलग से उसी में हम लोगों ने कैमरा का ऑप्शन कर दिया है, ताकि उनको अलग से कोई मॉनिटर या फिर कुछ लगाना की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड कुछ लगाने लगाना, स्टॉक चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा वहाँ। आपको थोड़ी देर बाद कैमरा ऑन कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। और इधर आएंगे तो आपको मिल जाता है कि जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे देखेंगे कि बिल्कुल अलर्ट दिखना, बिल्कुल अलर्ट टाइप के जैसे दिखता है। जो व्हील कैप हम लोग लगाए, कस्टमर का एकदम कस्टमर का प्रेफरेंस चॉइस था, ये लोग हमने लगाए। और टायर साइज इधर पे आप लोगों को कौन सा मिलता है? 165/70 और 14 इंच का टायर है, ठीक है। और इधर में लोअर गार्निश क्रोम वाइजर, इधर पे स्पेशल लिखा भी हुआ है। और ये रूफ रेल ये तो कंपनी से नहीं आता है, नहीं, ये बिल्कुल ये एकदम एक्सक्लूसिव है, आपको कहीं पे मिलेगा भी नहीं। आपको अगर मार्केट मतलब ओपन मार्केट में मिलेगा वो भी मिलेगा आपको यूनिवर्सल वाला। हाँ। लेकिन ये होता है एकदम यूनिक चीज़। हाँ। ये भी कस्टमर ने हम लोगों को सजेस्ट किया था कि हमको रुकने चाहिए था, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, थोड़ा मतलब अलग टाइप का दिखना चाहिए कुछ रुकेल, ताकि यूनिक दिखे दूर से भी, और मतलब अलग से लुक आता है, एसयूवी वाला लुक ये दे देता है गाड़ी में। बिल्कुल एक हाइट भी आता है लुक गाड़ी का। और ये शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, ये प्रॉपर्ली कस्टमर प्रेफरेंस के लगाया गया है, ये सजेशन नहीं है, क्योंकि थोड़ा लुक वाइज ये थोड़ा इशू होता है, लेकिन ठीक है कस्टमर प्रेफरेंस से लगाया गया है। और मिरर में आप लोग देख सकते हो इधर पे अपना जो क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी लग चुका है। और अगर आप सामने की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे जो क्रोम बीड है, यहाँ पे जो क्रोम ग्रिल है, ये आपको हम लोग ने लगाए हैं। हाँ। उसके अलावा आप देखेंगे नीचे थोड़ा जाएंगे कि नंबर प्लेट का जो फ्रेम है, नंबर प्लेट फ्रेम भी लगाया है। हाँ, और सबसे खास बात है इसका जो फॉग लाइट DRL है। हाँ। ठीक है, इस उन्होंने फॉग लाइट लगाया नहीं, उनको उतना जो फॉग लाइट है उनको पसंद नहीं, उतना उनको खाली ये DRL उनको चाहिए। और ये फ्लोटिंग इंडिकेटर के साथ भी है, वो भी दिखा देंगे। और ये अंदर की तरफ में ये LED लगा हुआ है, LED का कंपनी, ये आपका RD का LED लगा हुआ है, RD का LED लगा हुआ है। उसके साथ देखिएगा आपका जो साइड लाइट बल्ब है, पार्किंग बल्ब भी आपका फिलिप्स का लगा हुआ है। ओके। और सबसे खास बात है इसका, देखिए आप ये वाला जब इंडिकेटर जलेगा तो उसके साथ हेडलाइट में भी हम लोगों ने ये वो ऊपर से जो लगता है फ्लोटिंग DRL वाला लुक वो दिया है। इधर पे आप देख सकते हो, इधर पे ये DRL जल रहा है फ्लोटिंग वाला, ठीक है। और इधर पे भी ये फ्लोटिंग मैट्रिक्स स्टाइल में जल रहा है। मैं आपको हेडलाइट ऑन करके एक बार रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ गाड़ी का। ये पार्किंग बल्ब भी LED है और ये ऊपर भी LED लगा हुआ है, ठीक है। रेस्पॉन्स आप देख सकते हो इधर पे, और इधर पे ये DRL जल रहा है, ये भी DRL जल रहा है, और उधर पे इंडिकेटर जल रहा है। तो डिफरेंस आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। भीतर एक बार हाई बीम का मिलेगा, आप हाई बीम देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है LED के हिसाब से। इसमें आप देख सकते हैं कि साइड का जो फिल्म, ग्लास का जो फिल्म है, ये आपका 50% डार्क वाला जो फिल्म है वो मोटर व्हीकल वाला, और इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई वायलेट नहीं करता, रेगुलेशन के साथ इसको लगाया। और इसका सामने भी आपका फिल्म लगा है फ्रंट में। अच्छा, आपका जो एंटी ग्लेयर फिल्म होता है जो हम लोग जानते हैं कि जो सामने का जो गार्डवायर का लगा हुआ है। हां जी बिल्कुल, सबको साइड और जो फ्रंट दोनों का ही आपका गार्डवायर का फिल्म लगा हुआ है। और गार्डवायर का मतलब जो ब्रांड है बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। हाय, मैं नवाज सर, इस गाड़ी का सब फिटिंग मैं किया हूं, ठीक है। बहुत अच्छी फिटिंग किया, ठीक है ठीक है। चलो, तो सामने की तरफ आप देख सकते हो ये वाला जो डिफ्यूज़र है ये पूरा ABS मटेरियल में है ना? बिल्कुल, ABS मटेरियल में ये वाला डिफ्यूज़र लगा हुआ है, और ये साइड फिटिंग भी लगाया हुआ है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द साइड फ्रॉम स्क्रैचेस एंड ऑल। गाड़ी का अंदर में आप देख सकते हो इधर पे माउंटेड कंट्रोल्स है, इधर पे आपका कंपनी से दिया गया स्टीरियो है, और इधर पे आपका पूरा कंसोल है। गाड़ी सिर्फ चला हुआ है कितना चला हुआ, 250 किलोमीटर का रेंज है
गाड़ी चला कितना 171 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चला हुआ है, देख सकते हो एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी। इधर पे एलईडी कंपनी से आता है ये, ये भी हम लोगों ने लगाया है। ये इधर पे आपको जला कर दिखा देता हूं, एलईडी लगा दिया बहुत अच्छा, मतलब जो रोशनी है वो फेंक रहा है इधर में। और बैक कैमरा, तो बैक कैमरा, रिवर्स गियर, आप रिवर्स गियर देख सकते हो मेरा गाड़ी उधर पे देख सकते हो आप, ठीक है। कैमरा का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, कंपनी कैनवस के साथ लगाया है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ब्लॉकों का कैमरा हम लोगों ने पीछे लगाया है, तो अलग से हम लोगों ने कोई स्क्रीन नहीं लगाया है, उनका ही स्टॉक वाला जो म्यूजिक सिस्टम है उसी में हम लोग कैनवस लगा के, कैमरा कैनवस लगा के, वो वाला जो कैमरा का ब्लॉकों का है वो हम लोग अटैच कर दिए। तो और सेंसर वर्किंग है क्या? सेंसर बिल्कुल वर्किंग है, इसमें तो इनबिल्ट सेंसर रहता ही है, तो सेंसर बिल्कुल वर्किंग है, आप देख भी सकते हैं। हाँ, सेंसर आप देख सकते हो, सेंसर बिल्कुल वर्किंग है, ठीक है। इसका हॉर्न भी चेंज होगा, इसका आपका लगेगा, आपका स्कोडा वाला जो आपका टेम्पर्ड वाला हॉर्न है वो भी आपका लगेगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद मतलब ये स्टॉक हॉर्न है, ये चेंज हो जाएगा अभी, तुरंत चेंज हो जाएगा। हम लोग अभी क्रोम टेम्पर्ड लगाएंगे उनका हिला का। अच्छा, हिला का क्रोम टेम्पर्ड वाला हॉर्न होता है वो अभी हम लगाएंगे, उसके बाद आपका हॉर्न का साउंड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और गाड़ी में आपको पावर विंडो स्विचेस इधर पे मिल जाता है, और चाबी मैं दिखा देता हूँ आपको, चाबी दिस इज द की विद लॉक एंड अनलॉक, आपको पावर मतलब सब कुछ मिल जाता है इधर में। तो इधर पे हॉर्न का चॉइस हो रहा है, ये है क्या, हिला का जो क्रोम वाला हॉर्न आता है, पहले ये बजा के सुना, क्रोम ट्विन टोन हॉर्न सेट, ठीक है। ये हिला का साउंड और काम करा के कैसा लगा, ओवरऑल आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें। वेरी सैटिस्फाइड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अगर प्लस प्लस होगा तो ऑटो प्रो को देना चाहिए, क्योंकि मालिक से लेकर जो लोग काम करते कारीगर हैं और द वर्कर्स, एक्सीलेंट बिहेवियर इज एक्सीलेंट, देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो एक्सीलेंट, एंड द प्राइस इज रीजनेबल, रीजनेबल, आई लाइक दैट बिकॉज इज रीजनेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब कम दाम लेना है यहाँ, ये नहीं, रीजनेबल प्राइस देना है तो यहाँ ही। और वो लोग का लाइक आइडियाज भी बहुत अच्छा है, कोई कोई गाड़ी का दुकान में जाइएगा सब बोले ये लीजिए वो लीजिए लगाइए, गाड़ी को जोकर बना देगा, बट दिस इज लाइक they will not say that, they will not push it, yes, bahar laake dikhayenge and you get to choose. So this is the end result of Mr. Manoj Gupta, his tajruba, itna saal ke use kiya, wo itna experience about experience, so I learned from him some things and this is the end result and I'm really happy. To aapko kaisa laga gaadi mein kaam सर का गाड़ी में मैंने काम करके मैं बहुत खुश हूँ। अगर किसी को एस्प्रेसो का काम करना हो या किसी भी गाड़ी का काम करना हो, आप एक बार ऑटो प्रो में विजिट कीजिए, आप यहाँ का काम देखिए, पूरा प्रोफेशनल काम है। ऑलरेडी मैंने टियागो का वीडियो बनाया था, एस्प्रेसो का वीडियो बना चुका हूँ, देख एंड जज कि कैसा काम होता है कि नहीं। इवन एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर मैं ये बोल रहा हूँ, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, जस्ट दोस्ती है और सबसे अच्छा व्यवहार किया है, रिलेशनशिप है। लेकिन एज अ कस्टमर आई एम टेलिंग यू, जस्ट कम हियर, कीप योर कार, गेट आइडियाज, डू इट, वही। ओके, थैंक यू सर। सतीश दा, इधर पे लोग आना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस बता दीजिए। यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मिलता है 8240-199-151। कार्ड नंबर देखो, ये कार्ड है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और व्हाट इज द एड्रेस? एड्रेस अगर आप कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता में डायरेक्शन जो है आपको, आपका तो वैसे ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका लोकेशन मिल जाता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जादोपुर जो थाना है, जो पुलिस स्टेशन है, बिल्कुल उसके नज़दीक पड़ता है। तो उसका जो ब्रिज है कालिकापुर की तरफ, जो बाईपास की तरफ आता है, तो वो थाना की तरफ से आप जब भी कालिकापुर ब्रिज की तरफ उतरेंगे तो आपको राइट साइड में ऑटो प्रो का बोर्ड मिल जाएगा। और अगर कोई मतलब पहुंचने में दिक्कत हो या फिर लोकेशन समझ में प्रॉब्लम हो, मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, फ़ोन कर सकते हैं, या फिर लोकेशन में भी आप एकदम आ सकते हैं, आप कोई टेंशन नहीं है, आप बिन झिझक आप फ़ोन कर सकते हैं या लोकेशन में आप पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑल राइट, तो आपको वीडियो कैसा लगा, मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। और आपको अगर ऐसे ही बजट मॉड्स, मतलब गुड एक्सेसरीज एट गुड रेट, मतलब जो नेसेसिटी होता है गाड़ी का शोरूम से निकलने के बाद, ये सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो देखना है और भी, तो कमेंट करो, मेक श्योर टू कमेंट। एंड इफ़ यू वांट टू फीचर योर कार इन आवर चैनल,
तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आपकी गाड़ी का पिक्चर्स मेरे को व्हाट्सएप करना है इन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वी विल फिक्स अ लोकेशन एंड देन वी विल शूट अ वीडियो टुगेदर. और प्लीज़ बिजनेस अकाउंट है तो डाउट्स पूछने के लिए व्हाट्सएप मत करना, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नहीं है. तो इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो. विद दैट सेड, किसका डायलॉग बोल रहा हूँ मैं पता नहीं. तो इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, टर्न नोटिफिकेशन बेल ऑन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @invalidyusername404. एज ऑलवेज आई एम द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीडियो रियल सून. बाय बाय. यू कैन लिसन, दैट शिट इज ऑल फिक्शन, cuz यू होल्ड द पावर as long as you're trying to make it.